हम लोग कंप्लीटिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। मान लीजिए आपको कोई केमिकल इक्वेशन दिया है, वर्ड में दिया हो, या प्रोडक्ट फाइंड करना है, या रिएक्टेंट दिया हो, प्रोडक्ट फाइंड करना हो, तो आप कैसे उस केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, दैट मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको वैलेंसी पहले से पता होनी चाहिए। इसे मान लीजिए आपको कोई रिएक्टेंट दिया हुआ है, इसे दे दिया है जिंक ZN प्लस H2SO4। मान लीजिए जिंक एक मेटल है और जिसको सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट होगा, आपको इक्वेशन को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कंपाउंड है इसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन है और सल्फेट है, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन पे आपको पता है कि H प्लस आयन आता है, और सल्फेट SO4 जो है उस पर -2 आयन आता है, चार्ज आता है, और जिंक ऑलरेडी आपको पता है +2 चार्ज रखता है। सिंपली इसमें क्या होगा कि नेगेटिव आयन इधर पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, यानी कि ZN किसके साथ मिलेगा, सल्फेट के साथ, SO4 के साथ मिल जाएगा, और ये अलग हो जाएगा, यानी फाइनली आपका प्रोडक्ट बनेगा। और ये चार्ज आपको पता होगा, चार्ज रिएक्शन करते ये चार्ज इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, -2 यहाँ जाएगा, +2 यहाँ आएगा, और दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली बनेगा ZnSO4, और बचेगा क्या, हाइड्रोजन, और प्लस में हो जाएगा H2, चूंकि डबल पेयर में हमेशा रहता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको पता होगा कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक सॉल्ट, ओके, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान लीजिए यही ZN, लेटेस्ट कैसे ZN रिएक्ट किया HCl के साथ, HCl आप इसको चाहे तो फिर बैलेंस भी कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो सिंपल एकदम सिंगल है, ये कंपाउंड के फॉर्म में, तो इसको पहले ब्रेक करेंगे, ये H प्लस आयन से बनाएगा और क्लोरीन Cl माइनस बनाएगा, और ऑलरेडी इस पे +2 चार्ज आएगा जिंक पे, और फिर ये चार्ज का एक्सचेंज होगा, ये माइनस वाला प्लस वाला के साथ मिलेगा, जिंक किसके साथ मिलेगा, क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन फिर रिलीज हो जाएगा, तो इसके चार्ज इसके पास जाएगा, इसका चार्ज इसके पास जाएगा, और फाइनली ये क्या होगा कि ZnCl, और ये 2 चार्ज चला जाएगा क्लोरीन के पास, ZnCl2 और प्लस फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ओके। इस तरह से एक दो और हम लोग केमिकल इक्वेशन को देख सकते हैं, किस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट निकलते हैं। एक एग्जांपल और हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए Na सोडियम है और इसको रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, क्या प्रोडक्ट होगा। Na पे ऑलरेडी आपको पता होगा +1 आयन आता है, बैलेंसी इसकी 1 आती होती है, और H2O जनरली ये जब किसी से भी रिएक्ट करेगा तो H प्लस और OH माइनस आयंस में ब्रेक होता है। फिर आप क्या करेंगे, OH नेगेटिव है और Na प्लस है, तो Na किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, OH के साथ, फाइनली क्या बना लेगा, NaOH एक साथ कंबाइन में रहेगा, ये 1 और इसके 1 कैंसिल हो जाएगी सिंप्लीफाई करके, और फाइनली बच जाएगा हाइड्रोजन गैस, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज आप ले सकते हैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम को हम रिएक्ट कर रहे हैं एल प्लस HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अगेन आपका एल्यूमिनियम में पता होगा +3 चार्ज आता है, H हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे Cl माइनस, ये माइनस वाला मिलेगा किसके साथ, प्लस वाला के साथ, ये फाइनल कर लेगा Al, और ये चार्ज इसके साथ ट्रांसफर हो जाएगा, इसका इसके पास, इसका इसके पास, तो Al क्लोरीन का 1 यहाँ आ जाएगा, और एल्यूमिनियम का 3 क्लोरीन के पास, तो Cl3 AlCl3 और बच जाएगा H2 बच जाएगा। इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, रिएक्टेंट देगा तो प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ओके। आपको ये इक्वेशन ना देकर के वर्ड में भी लिख सकता है, वर्ड में लिखेगा कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, उसी तरह से। थैंक यू सो मच।